अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी रेनॉल्ड फिनोमना। ठीक है, अब रेनॉल्ड फिनोमना जो होता है ना, इस ये एक एग्जैजरेटेड वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स की। ठीक है, इन एक्सट्रीमिटीज़ मेनली फिंगर्स और टोज की जो आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स होती है ना, तो उसमें एग्जैजरेटेड वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, अब इस रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से ना, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई है तो आगे फ्लो नहीं जाएगा। ठीक है, जब आगे फ्लो नहीं जाएगा फिंगर्स या टोज में, तो अल्टीमेटली वे कैन हैव दी पेलनेस होगी और साइनोसिस होगी। ठीक है, अच्छा अब जो है ना, ये एक इसकी वजह से पहले से साइनोसिस तो होती है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब इस डिजिट्स में ना हमारे पास कुछ सीक्वेंस नज़र आएगा। ठीक है, जैसे रेड वाइट एंड ब्लू का सीक्वेंस नज़र आएगा फ्रॉम प्रॉक्सिमल एंड टू डिस्टल एंड। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज़ द डिस्टल एंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेड नज़र आएगा, फिर बीच में वाइट एंड फिर ब्लू। ठीक है, अच्छा देखो, प्रॉक्सिमल जो होता है ना, वहाँ पे होगी वैजो डायलेशन। ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन होगा वहाँ पे होगी वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, एंड हमारे पास जो मोस्ट डिस्टल होगा ना, वहाँ पे होगी साइनोसिस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे रेड, बीच में वाइट एंड बिल्कुल डिस्टल पे ब्लू नज़र आएगा। तो क्या है रेनॉल्ड फिनोमना? रेनॉल्ड फिनोमना इज़ दी वैजो कंस्ट्रिक्शन एज एग्जैजरेटेड वैजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। ठीक है, ऑफ दी एक्सट्रीमिटीज, इन दी एक्सट्रीमिटीज मेनली फिंगर एंड टोज। ठीक है, एंड दैट्स इट। एंड नाउ वी गोना हैव टू टाइप्स ऑफ द रेनॉल्ड फिनोमना, द प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमना एंड द सेकेंडरी वन। ठीक है, द प्राइमरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेनॉल्ड डिजीज। ठीक है, अब जो प्राइमरी वन होता है, ये मेनली जो होता है ना, लेस सवेयर होता है। ठीक है, लेस सवेयर होता है। ठीक है, एंड इसमें जो वैसोस्पैज्म होता है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वैजो मोटर सेंटर की एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स की वजह से टू स्ट्रेस और कोल्ड, तो वैजोस्पैज्म होता है। ठीक है, एपिसोडिक वैजोस्पैज्म होता है। ठीक है, और जो वैजोस्पैज्म होता है ना, इट डू नॉट लीड्स टू इस्कीमिया और टिश्यू इंजरी। ठीक है, सिर्फ एपिसोडिक वैजोस्पैज्म होता है। ठीक है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द वैजो मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, ड्यू टू कोल्ड एंड दी स्ट्रेस। ठीक है, एंड इट डू नॉट कॉजेज इस्कीमिया और इंजरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई आर्टरीज में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं होती, सिर्फ वैसोस्पैज़म होता है। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन अगर वैसोस्पैज़म बहुत ज़्यादा सवेर हो जाए एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, तो इंटिमा की जो लेयर होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है, एंड दैट्स द वर्स्ट केस। ठीक है, इन दिस रेनॉल्ड डिजीज़। ठीक है, एंड इट मेनली अफेक्ट्स द फीमेल हैविंग एज लेस देन 30। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर ऑफ द रेनॉल्ड डिजीज, सो वी गैन हैव द पैरोक्सिस्मल डिजिटल कलर चेंजेस विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। वी गैन हैव द रेड वाइट एंड ब्लू। वी गैन हैव द अल्सरेशन एंड गेंगरी। ठीक है, इन सेवर केसेस। सो वट्स द रेनॉल्ड डिजीज? वी गैन हैव द एपिसोडिक वैसोस्पैज़म विच इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जैजरेटेड वैसोमोटर रिस्पॉन्स ड्यू टू कोल्ड एंड स्ट्रेस, एंड देर इज़ गोना बी नो एसोसिएटेड इंजरी और इस्कीमिया, एंड इट मेनली हैपन्स इन फीमेल लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, एंड इट इज़ लेस सीवियर। ठीक है, अच्छा नाउ वी गोना डू द रेनॉल्ड सिंड्रोम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी रेनॉल्ड फिनोमना। अब जो सेकेंडरी रेनॉल्ड फिनोमना है ना, इसको हम रेनॉल्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, और ये मेनली जो होता है ना, वेसल के डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। वो दूसरा वाला तो वैसोस्पैज़म की वजह से हो रहा था, ये वेसल के डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है, मेनली वैस्कुलाइटिस वगैरह की वजह से। अब वैस्कुलाइटिस वगैरह या वेसल्स के डिसऑर्डर्स जो हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होते हैं, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो गया, या स्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या बर्गर्स डिजीज़ वगैरह ना। तो इट लीड्स टू दिस सेकेंडरी रेनॉइड फिनोमना। ठीक है, एंड ये इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंजरी एंड द इस्कीमिया, बट द रेनॉइड डिजीज वॉज नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास इसमें आता है, ये जो है ना मेनली अफेक्ट करता है मेल एंड फीमेल हैविंग एज मोर देन 30। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, तो वी कैन हैव द
वेस्कुलाइटिस लाइक द डिजिटल वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस की वजह से थ्रोम्बोसिस, साइनोसिस, फाइब्रोसिस वगैरह होगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन नज़र आएंगी एंड अल्सरेशंस एंड गैंग्रीन वगैरह नज़र आएंगी. क्या नज़र आएगा? वेस्कुलाइटिस, फाइब्रोसिस, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशंस एंड गैंग्रीन. दैट्स इट, वी आर डन विद राइनॉट फिनोमेना. थैंक यू.